Hey friends, welcome back to our channel. This is your host Divya. Today I'm coming with a new project which is located in Dombivli. A project name is Runwal Garden, projected by Runwal Group. इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं तो ये डोंबिवली का काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, विच इज 270 एकर्स का प्रोजेक्ट। सो आपको ये जान के बहुत खुशी होगी, रुनवाल माई सिटी एंड गार्डन्स दोनों मर्ज हो चुका है। सो नाउ दिस इज 270 एकर्स का प्रोजेक्ट। सो फ्रेंड्स, दिस इज टाउनशिप प्रोजेक्ट जिसके अंदर आपको सारी चीजें मिलने वाली है। सो हर प्रोजेक्ट में आपको एमिनिटीज तो मिलता ही है, बट इस प्रोजेक्ट में खास बात क्या है, यहाँ पे आपको मिलने वाला है आर गैलेरिया। सो मेरे ये साइड में है आर गैलेरिया, आप देख सकते हो, विच इज वेरी 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 बिग। यहाँ पे सारे बड़े ब्रांड्स आने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मैं डेवलपर की लेगेसी की बात करूँ तो ये 30+ ईयर्स से मार्केट में है। इन्होंने काफी सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं ऑल ओवर मुंबई। सो फ्रेंड्स, अगर मैं रुनवाल गार्डन्स की बात करूँ तो ये पूरा 5 फेजों में डिवाइडेड है। फेज 1 इज ऑलरेडी रेडी, जिसमें लोग ऑलरेडी रहने के लिए आ गए हैं। फेज 2 हमारा जस्ट 4-5 डेज में OC एक्सपेक्टेड है। सो जस्ट आपको जनवरी में आपको एंड तक पोजेशन मिल जाएगा। फेज 3 की अगर मैं बात करूँ तो विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन, जिसका पोजेशन नेक्स्ट ईयर 25 में मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अगर मैं फेज 4, 5, 6 की बात करूँ तो विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन, जिसका पोजेशन आपको मिलने वाला है दिसंबर 2026 एंड 25। सो फ्रेंड्स, चलिए हम 1 BHK का सैम्पल फ्लैट देखते हैं, जिसका कार्पेट एरिया है 463 स्क्वायर फीट। ये रहने वाला है आपका हॉल, और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डेकोर कर सकते हो। ये साइड में आप सोफा अरेंज कर सकते हो, ये साइड में आप अपना टीवी अरेंज कर सकते हो। इसके साथ ही आपको मिल जाती है ब्यूटीफुल सी बैल्कनी, जहाँ पे आप अपना इवनिंग एंजॉय कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ में। आपको ब्यूटीफुल सा व्यू दिखेगा यहाँ से। इसके साथ ही यहाँ पे आपको मिल जाता है ओपन किचन कॉन्सेप्ट, तो ये काफी ट्रेंडिंग अभी चल रहा है ओपन किचन कॉन्सेप्ट। इसमें आपको दोनों साइड पे प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, आप आपके हिसाब से यहाँ पे कैबिनेट्स बनवा सकते हो। जैसे आपको डेक्योर करना है, आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेक्योर कर सकते हो। ये साइड में अपना डाइनिंग टेबल लगा सकते हो एग्जैक्ट किचन के सामने। यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको 1 BHK में भी आपको 2 वॉशरूम्स मिलने वाला है। ये रहने वाला है आपका कॉमन वॉशरूम, सेम आपको सारे ब्रांडेड फिटिंग्स मिलने वाले हैं वॉशरूम के अंदर। सो फ्रेंड्स, ये आपका 1 BHK का मास्टर बेडरूम है, जिसके साथ में आपको अटैच वॉशरूम मिलने वाला है। और यहाँ पे भी आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डेकोर कर सकते हो, यहाँ पे अपना बेड अरेंज कर सकते हो। इसके साथ ही यहाँ से आपको फ्रेंच विंडो फुल मिलने वाला है, सो आप व्यू इंजॉय कर सकते हो। आपको काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से दिखेगा, जस्ट सेंट्रल पार्क व्यू ले सकते हो आप, या फिर जो भी व्यू चूज़ करना है आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ये साइज में आप वॉल ड्रॉप बनवा सकते हो, तो यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस है, यहाँ पे आपका वॉल ड्रॉप आ जाएगा। इसके साथ ही आपको मिलने वाला है वॉशरूम। वॉशरूम में जितनी भी फिटिंग्स है सारे ब्रांडेड फिटिंग्स हैं। अभी हम देखने वाले हैं 2 BHK का सैम्पल फ्लैट, जिसका कार्पेट एरिया है 670 स्क्वायर फीट। ये रहने वाला है आपका हॉल, अगेन हॉल के साथ में आपको मिल जाता है अटैच बैल्कनी, एंड बैल्कनी इज वेरी स्पेशियस। यहाँ पे आप अपना इवनिंग एंजॉय कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ में, और यहाँ से ब्यूटीफुल व्यू मिलेगा आपको। सो फ्रेंड्स, आप हॉल में ऐसे डेकोर कर सकते हो, आप ये साइड में अपना टीवी अरेंज कर सकते हो, और ये साइड में ऐसे सोफा अरेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको एल शेप में आपको हॉल मिलने वाला है, सो यहाँ पे आप डाइनिंग भी अरेंज कर सकते हो। लेफ्ट साइड में आपको मिलने वाला है किड्स के लिए बेडरूम, यहाँ पे आप अपना किड्स के लिए बेड अरेंज कर सकते हो। इसके साथ ही आप यहाँ पे वर्क स्टेशन बनवा सकते हो बच्चों के लिए, काफ़ी सारा यहाँ पे स्पेस है। और इसके साथ ही यहाँ पे आपको अलग से वॉल ड्रॉप के लिए स्पेस मिलने वाला है, सो यहाँ पे आप वॉल ड्रॉप बना सकते हो। किचन में डबल आपको प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, सो ये साइड में आप अपना ओवन अरेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप मिक्सर वगैरह अरेंज कर सकते हो। और ये साइड में रहेगा आपका मेन प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आप गैस अरेंज कर सकते हो सेम एज इट इज़, अदरवाइज आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डेकोर कर सकते हो जैसे आपको करना है, सो ऐसे आप कैबिनेट्स बनवा सकते हो। ये साइड में आपका बेसिंग है, और यहाँ पे आपको मिलने वाला है यूटिलिटी स्पेस। तो ये यूटिलिटी स्पेस है, यहाँ पे आप अपना वॉशिंग मशीन अरेंज कर सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी पानी एंड लाइट का कनेक्शन है। सो फ्रेंड्स, ये है आपका कॉमन वॉशरूम, इसमें आपको सारे ही ब्रांडेड फिटिंग्स मिलने वाले हैं।
अगेन आपको टॉप टू बॉटम फुल आपको टाइल्स मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये है आपका मास्टर बेडरूम, यहाँ पे डोर रहेगा, ये आपका मास्टर बेडरूम पूरा रहने वाला है। एंड दिस इज योर वॉशरूम। और आगे के साइड में आएंगे तो ये है आपका बेडरूम, एंड ये साइड में आप अगेन अपना बेड अरेंज कर सकते हो, ये साइड में आप वर्क स्टेशन बना सकते हो, अदरवाइज आप टीवी अरेंज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारा स्पेस मिलता है, तो यहाँ पे आप अपना वॉलड्रॉप बना सकते हो। एग्जैक्ट सामने यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे आप अपना ड्रेसिंग टेबल अरेंज कर सकते हो जैसे हमने अरेंज किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको साइट विजिट करना है तो आपको स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करना है, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे और आपके लिए पिकअप एंड ड्रॉप भी अरेंज हो जाएगा। सो कैसा लगा आपको ये प्रोजेक्ट, प्लीज आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ऑल्सो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।